भागलपुर में बंदूक की नोक पर मछुआरे के अपहरण की घटना में सबौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत व्यक्ति को सुरक्षित बरामद कर लिया और अपहरण में शामिल 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर SSP आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सबौर थाना क्षेत्र में जलकर विवाद को लेकर कुछ अपराधियों द्वारा अपहरण की सूचना मिली थी। सूचना प्राप्त होते ही सबौर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मौके से अपहृत व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया। साथ ही 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर उसके पास से 3 कट्टा, 11 कारतूस, 1 गोली का पैकेट, 2 दबिया और 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। SSP ने आगे बताया कि यह अपहरण मछली मारने के विवाद के चलते हुआ था, जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस इस मामले में सभी गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के द्वारा एक बड़े मामले का खुलासा किया गया है और एक बड़ी घटना को होने से रोका गया है। कल सबौर थाना अंतर्गत लैलक के पास से सूचना मिली सबौर पुलिस को कि एक व्यक्ति जो सीताराम मंडल हैं, जो कि शंकरपुर के रहने वाले हैं, उनका अपहरण जान मारने की नीयत से 10-15 लोगों के द्वारा हथियार के बल पर किया गया है और उसको लैलक गांव की तरफ ले जा रहे हैं। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, CTSP साहब की निगरानी में SDPO विधि व्यवस्था चंद्रभूषण जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि SHO सबौर विवेक, सब इंस्पेक्टर बिट्टू, सब इंस्पेक्टर रंजन, सब इंस्पेक्टर रामानुज, सब इंस्पेक्टर सतीश, सब इंस्पेक्टर विजेंदर और कांस्टेबल बच्चन अभिमन्यु बजरा की टीम, एक बड़ी टीम बनी जिसने कि इस जो भी लोग थे अभियुक्त थे उनके पहचान और छापेमारी के लिए टीम बनी। और इस टीम ने लगातार छापेमारी करके जिनको सीताराम मंडल को उन्होंने किडनैप किया था उनकी रिकवरी की गई। इसके साथ ही साथ इस पूरी घटना में शामिल 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई और जो इस घटना में कार्य करने में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे, 3 हथियारों की बरामदगी हुई है, 11 कारतूस की बरामदगी हुई है, 8 मोबाइल की बरामदगी हुई है और 2 दबिया जो धारदार हथियार होता है उसकी बरामदगी हुई है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना को विफल किया गया और इस घटना में शामिल जितने भी लोग थे, कुल 28 लोगों का नाम इस पूरी घटना में अभी तक सामने आया है, जिसमें से 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इन 11 लोगों में जो एक व्यक्ति है जो रजौन बांका का रहने वाला है और 8 व्यक्ति लैलक गांव सबौर थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं और 2 व्यक्ति कहलगांव थाना अंतर्गत एक गांव है उदरामपुर वहाँ के रहने वाले हैं। और बाकी जो इसमें इस घटना में शामिल जो अन्य व्यक्ति थे उनकी भी पहचान की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया गया है। और इस घटना के मूल में जो कारण था वो मछली मारने का विवाद है और जो जलकर है शंकरपुर के पास में लैलक जो दोनों पड़ोसी गांव हैं उसी जलकर में मछली मारने को लेकर वर्चस्व के लिए ये पूरी घटना कारित की गई और इसमें जिस लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उनमें से 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चौक बाजार में बुधवार की सुबह पटाखा दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने की सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन ने तत्काल मिलकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटनास्थल पर 2 छोटी दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। थानाध्यक्ष प्रिय रंजन और अन्य पुलिस कर्मियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। इसके अतिरिक्त नगर परिषद सुल्तानगंज पानी टैंकरों का उपयोग कर आग पर काबू पाया गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए पास के दुकानों को भी खतरा होने की संभावना थी, इसलिए थानाध्यक्ष प्रिय रंजन और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू के निर्देश पर जिले की बड़ी दमकल गाड़ियों को बुलाया गया और इनके सहयोग से आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया। इस घटना में पटाखा दुकानें जिसमें चूड़ी भंडार और कृषि स्टोर शामिल है का लगभग पूरा सामान जलकर खाक हो गया। अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान संचालक मित्तु चौधरी और पंकज चौधरी के परिवार का घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल था। इस घटना में बिजली विभाग के 11,000 वोल्ट के तार भी जलकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत बिजली काट दी, जिससे और बड़े हादसे को टाला जा सका। फिलहाल पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। कितना नुकसान हो रहा है?
नुकसान तो बहुते हो गलो, दुकान में माल पूरा भर ले चले, इधर हिंदुस्तान वाला माल दे लो चलो। के को दुकान मार ले, दोनों दुकान मार ले। तो की नाम छे दुकान के? क्रिस स्टोर। ओकरो ओकरो अभी तक चोरी भंडार दोनों मार ले लो छे। दोनों के कितना लाखों के नुकसान हो छे? लाखों के यहां 50 लाख के नुकसान। भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक परिसर में शिक्षकों द्वारा चलाए जा रहे आमरण अनशन ने विश्वविद्यालय में गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी है। शिक्षकों की तीन प्रमुख मांगों को लेकर शुरू किए गए इस अनशन को आज 24 घंटे बीत चुके हैं। वहीं शिक्षक विवेक कुमार जो अनशन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। उनके साथ अन्य शिक्षक भी अनशन पर बैठे हैं और उनकी भी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है। शिक्षक विवेक कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासन उनकी सभी तीन मांगों को पूरा नहीं करता। वहीं सीनेटर मुजफ्फर आमद ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुलपति और प्रशासनिक अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अब तक अनशन पर बैठे शिक्षकों की सूद नहीं ली है। मुजफ्फर आमद ने कहा कि अनशन राज्यपाल के आने तक जारी रहेगा और यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। वहीं अनशन स्थल पर कई अन्य लोग भी शिक्षकों का समर्थन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में बढ़ते तनाव के बीच शिक्षकों की हालात को देखते हुए यह देखना महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक अधिकारी कब तक मौन रहते हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। स्वास्थ्य का जहाँ तक बात है तो अब जब भी अनशन के रास्ते पे चल पड़े हैं तो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से दिखाई पड़ रहा है। एक बार भी माननीय कुलपति कल से लेके आज तक उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि उनके परिवार का सब शिक्षक किसी चीज के लिए, अगर आप यदि आपके पास कोई तकनीकी परेशानी है तो एटलीस्ट आप यहाँ आकर के बता तो सकते हैं कि भाई हमको इतना दिन का समय आप दे दो, आप 10 लोगों के बीच में यहाँ जब बात हो जाएगी तो हो सकता है कि फिर हम लोग कुछ आगे का रास्ता निकालेंगे, लेकिन उनको इतनी भी फुर्सत नहीं है या वो नहीं संवेदनशीलता दिखा पा रहे हैं, ये तो ट्रेजेडी है हम सबके लिए। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में किलकारी के द्वारा 22 नवंबर से 25 नवंबर तक बाल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बाल उत्सव में बच्चों के बीच कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में किलकारी के जिला समन्वयक साहिल राज ने जानकारी दी कि इस प्रतियोगिता में कुल 17 विद्यालयों के बच्चे एवं बच्चियां भाग लेंगी। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में चित्रकला, नृत्य और समूह नृत्य जैसी प्रतिभाएं शामिल हैं। आयोजकों ने इस कार्यक्रम को बच्चों के कौशल और रचनात्मकता के प्रदर्शन के लिए एक विशेष अवसर बताया। इसके अलावा यह कार्यक्रम बच्चों के बीच सांस्कृतिक जागरूकता और सौहार्द बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। टैलेंट को बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी क्या कह सकते हैं कि दुविधा के, उनको प्रदर्शित करने का अवसर मिले। इसमें बच्चे को भाग लेने के लिए एक फॉर्म जो निःशुल्क उपलब्ध है किलकारी से प्राप्त कर सकते हैं या पीडीएफ प्रिंट करके भी लगा सकते हैं, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। इसके अलावे किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, उनके लिए पूरी तरह से ये प्रतियोगिता निःशुल्क। भागलपुर जीरो माइल थाना क्षेत्र के नवटोलिया चौका गांव में एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। अधिकलाल मंडल के घर में लगी आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना के बारे में अधिकलाल मंडल ने बताया कि बीती रात जब वे अपने परिवार के साथ घर में सोए हुए थे तभी अचानक से घर से धुआं निकलने लगा। जब तक वे स्थिति को समझ पाते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया था। गौरतलब हो कि कुछ दिन पहले भी अधिकलाल मंडल के घर में आग लगने की घटना हुई थी जिसमें उनकी मोटरसाइकिल समेत कुछ अन्य सामान जलकर
खाक हो गए थे। इसके बावजूद अधिकलाल मंडल को पिछली घटना के लिए जिला प्रशासन की ओर से अब तक क्षतिपूर्ति या मुआवजा नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं। जो आग लगा कैसे सूचना मिला आपको? सूचना मिला जो ना, हम लोग जो बारे में थे, बाल बच्चा सब नीचे था, ऊपर जैसे बच्चा बुजुर्ग रहा, आग लग रहा, हो लड़ रहा था, चिल्ला के नीचे उतर गया। हम लोग जैसे जानकारी हो गया, सब समाज गांव लोग बुलाए, सबको जोर आ करके आग बुताए। क्या क्या क्षति हुआ है? क्षति जो प्लम जरा, अनबारी जरा, कपड़ा लत्ता सब, बाल बच्चा का सब जल गया। इसके पहले भी आग लगा है? हाँ, पहले आग लगा था, मोटरसाइकिल जला था। भागलपुर सबौर प्रखंड के ममलका पंचायत में बाढ़ पीड़ितों के बीच मुआवजा नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। बुधवार को वार्ड नंबर 4 और 9 के लगभग 20 से अधिक परिवार सबौर प्रखंड कार्यालय पहुंचे और अंचल अधिकारी से मिलने का प्रयास किया। इन पीड़ितों का कहना है कि बाढ़ आपदा राहत के तहत मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि अब तक उनके बैंक खाते में जमा नहीं की गई है। पीड़िता सुशीला देवी ने बताया कि इलाके के कई लोगों के खाते में यह मुआवजा राशि आ चुकी है, लेकिन उनके परिवार सहित कई अन्य परिवार अब तक इससे वंचित हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग अंचल अधिकारी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं पूर्व वार्ड सदस्य परशुराम मंडल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बाढ़ राहत मुआवजा नहीं मिलने की वजह से लोग बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। हमने अंचलाधिकारी से मुलाकात करने की कोशिश की और लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण हमें वापस लौट ना पड़ा। वेतन यही है कि जिसका बाढ़ पीड़ित का सूची में नाम है दर्ज, उसको भी अभी तक पैसा नहीं मिला है। जिसको नहीं भी सूची में, उसको चला जा रहा है पैसा। इसीलिए इतना महिला को लेकर आए हैं कि मिल जाना चाहिए, सीओ साहब से ही आग्रह है। कितना कितना राशि था? 7,000 रुपया मिलता है। सीओ साहब से मिले? सीओ साहब से नहीं मिले, लेकिन सीओ साहब भेंट नहीं हुआ। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में बुधवार को श्री सांवरिया सेवा ट्रस्ट भागलपुर द्वारा तृतीय श्री श्याम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस उत्सव में ट्रस्ट के सदस्यों ने बाबा श्याम का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत भजन कीर्तन से हुई, जिसमें भक्ति भाव से ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुति दी गई। प्रमुख गायकों में सिंगर आशीष शर्मा ने अपने मधुर भजनों से श्रोताओं को भाव विभोर किया। उन्होंने कीर्तन की यह रात बाबा हम सब बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू जैसे भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके अलावा सब शराबगी और तानिया अग्रवाल ने भी अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम को विशेष बना दिया। इस अवसर पर बाबा को 56 भोग अर्पित किए गए और 7 पाउंड का केक भी भोग स्वरूप समर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और भजनों का आनंद लिया। संस्था के अध्यक्ष राजीव गर्ग ने कहा कि श्री श्याम जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम हर वर्ष सांवरिया सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है और यह हमारा तृतीय आयोजन है जो पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर कई श्याम प्रेमी उपस्थित रहे।